हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आई के मैथमेटिक्स के फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल के सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वहां पर आपको डोमेन डी दी गई है आर टू माइनस यानी कि आपको एक्स वाई प्लेन में से ऑरिजन को एक्सक्लूड कर दिया गया है आपको दो फंक्शन दिए गए हैं यू और वी जो डोमेन डी से लेकर आर पर डिफाइंड है आपका जो फंक्शन यू है वो है एक्स y, y तब आपको वो ग्रेडियंट ऑफ यू एंड ग्रेडियंट ऑफ वी के बारे में चार चीजें पूछ रहा है कि ये सही ऑप्शन है या फिर ये गलत ऑप्शन है ठीक है तो आपको जो भी सही ऑप्शन लगे वो आपको टिक करने थे अब यहाँ पर हम वन बाय वन सारे ऑप्शन देखते हैं तो सारे ऑप्शन देखने से पहले हम सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ u कैलकुलेट करते हैं फिर ग्रेडियंट ऑफ v कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ u है वो किसके इक्वल होगा u ओवर डेल एक्स i कैप प्लस का u ओवर डेल y j कैप यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो डेली ओवर x है वो किसके इक्वल होगा टू एक्स के इक्वल और आपका जो डेलियू ओवर डेल y है

क्योंकि x तो कांस्टेंट होगा तो उसे बाहर ले लो y का डिफरेंशिएशन वन सिमिलरली आप डेल वी ओवर डेल वाई निकालोगे तो वो x आएगा ये तो हमारा बहुत ही इजी टास्क था अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर वन के ऊपर ऑप्शन नंबर वन में बोला गया है कि ग्रेडियंट ऑफ u एंड ग्रेडियंट ऑफ v डू नॉट एग्जिस्ट सम पॉइंट एक्स ऑफ डी क्या हमें कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा एक्स प्लेन के अंदर जहां पर ग्रेडियंट ऑफ यू एग्जिस्ट ना करे और ग्रेडियंट ऑफ वी भी ना करे तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है XY ये डोमेन डी में से पूछ रहा है ठीक एक्स वाई प्लेन में नहीं डोमेन डी में पूछ रहा है तो डोमेन डी था हमारा जीरो तो पर बहुत ही इजीली देख सकते हो ग्रेडियंट ऑफ यू ये वेक्टर है ये हर करेगा। 2X की हमेशा इसी तरीके से वाई एक्स ये भी हमेशा एग्जिस्ट करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ यू और ग्रेडियंट ऑफ वी दोनों के एग्जिस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स अगर ये ओरिजन इंक्लूड भी कर देता तो ओरिजन पर हमें जीरो वेक्टर मिल जाता और जीरो वेक्टर भी डिफाइंड वेक्टर होता है जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है बट इसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्री हम कंसीडर करके चलते हैं बट एग्जामिनर जो है वो जीरो वेक्टर की कंट्रोवर्सी में नहीं गया उसने डोमेन में से पहले ही जीरो वेक्टर को एक्सक्लूड कर दिया तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ यू और ग्रेडियंट ऑफ वी तो हमेशा डोमेन डी में एग्जिस्ट कर रहे हैं अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर टू के ऊपर ऑप्शन नंबर टू में बोल रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ यू एंड ग्रेडियंट ऑफ वी ये जो वेक्टर्स हैं, ये एट ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ डी स्पेन आर टू तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं क्या ये आर टू को स्पेन करते हैं For every point XY. तो ये R2 को कोई भी दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर आर टू को स्पेन कर सकते हैं क्योंकि आर टू की डायमेंशन किसके इक्वल होती है टू के इक्वल तो कोई भी दो वैक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो हम कब बोलते हैं जब ऑफ ऑफ इज नॉट इक्वल टू टू टाइम्स फॉर एनी बिलोंग्स यानी कि किसी भी K की वैल्यू के लिए चीज होल्ड नहीं होनी चाहिए आप यहाँ पर एक चीज नोट करो फ्रेंड्स कि ग्रेडियंट ऑफ यू कभी जीरो वेक्टर नहीं बन रहा और ग्रेडियंट ऑफ वी भी कभी जीरो वेक्टर नहीं बन रहा क्योंकि ऑरिजन ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेडियंट ऑफ यू और ग्रेडियंट ऑफ वी जीरो वेक्टर बनेंगे और ऑरिजन को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स की जो आपका ग्रेडियट ऑफ यू अगर के टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल हो गया तब क्या होगा अगर ये चीज सही है तो ग्रेडियंट ऑफ यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट अगर लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी और अगर ये चीज फॉल्स हुई तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं लेट ग्रेडियंट ऑफ यू बराबर के टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ v तब हम देखते हैं कि हमें के की वैल्यू मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी तो ग्रेडियंट ऑफ यू क्या था टू एक्स आई कैप माइनस का टू कैप और ग्रेडियंट ऑफ वी था आपका वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप तो ये ग्रेडियंट ऑफ यू बराबर के टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ v आप किसी भी वेक्टर को इस तरीके से भी नोटेशन में लिख सकते हो यहाँ आई कैप वाला कंपोनेंट और यहाँ पर जे कैप वाला कंपोनेंट अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि 2x का 2y ठीक है ये तो ग्रेडियंट ऑफ u था अब k मल्टीप्लाई करोगे तो ky kx आ जाएगा तो अब आप यहाँ पर क्या करो कि कंपोनेंट्स कंपेयर तो 2x बराबर ky रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2x upon y और का 2y बराबर kx रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी का 2y upon x तो जब आप फ्रेंड्स इन दोनों को इक्वल रखोगे टू एक्स अपॉन वाईल टू माइनस का टू वाई अपॉन एक्स दोनों के की values हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा टू एक्सर बराबर माइनस का टू वाई स्क्सर बराबर माइनस का वाई स्क्वायर तो फ्रेंड्स क्या आप मुझे कोई पॉइंट ऐसा एक्स वाई दे सकते हो जहां पर ये चीज होल्ड हो रही हो तो फॉर एनी एक्स वाई एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर ठीक है, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू डी डोमेन डी क्या था आर टू माइनस जीरो हम लेकर चले थे वो फॉल्स था तो हम क्या लेकर चले थे ग्रेडियंट ऑफ यू इक्वल्स टू के टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ वी मतलब ये फॉल्स है मतलब ग्रेडियंट ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू के टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ वी फॉर एनी एक्स वाई ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर एनी एक्स वाई फोर एनी एक्स वाई ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ ऑफ यू एंड वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और जैसे ही ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो यहां से क्या एम्प्लाई करेगा कि ग्रेडियंट ऑफ यू एंड ग्रेडियंट ऑफ वी स्पेन आर टू ठीक है और ये किसी भी पॉइंट के लिए हम लेके चल रहे हैं तो अब हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं ऑप्शन नंबर टू में बोल रहा है कि अब ऑप्शन नंबर थ्री में बोल रहा है कि क्या हर पॉइंट पर ये पैरल है ऑप्शन नंबर फोर में बोल रहा है कि क्या ये हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है तो फ्रेंड्स अगर दो वेक्टर पेरल होते हैं तो क्या होता है कि अगर u v हो तो ग्रेडियंट ऑफ इक्वल्स टू के टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ वी होगा फोर सम के बिलोंग्स टू आर ठीक है बट हमने देखा था अभी कि ये चीज तो फॉल्स है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थ्री है वो भी फ़ॉल्स हो जाएगा। अब हम आते हैं देखो कि ग्रेडियंट ऑफ यू क्या था आपका टू एक्स टू वाई सॉरी यहाँ पर माइनस का टू वाई था और ग्रेडियंट ऑफ वी क्या था आपका

Easy to moderate rate करूंगा, because इस question में ऐसा कोई बहुत बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया। अगर आपको थोड़ा बहुत linear algebra के basics का भी idea है, और आपको ग्रेडियंट निकालना आता है तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही इजीली टैकल कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको एक डी सबसेट दिया गया है आर का D आपको किस तरीके से डिफाइंड है D यानी कि इसने R2 में से X को एक्सक्लूड कर दिया है उसने फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टाइम साइन वन अपॉन वाई तब आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये सिंगल करेक्ट वाला था तो इन चारों में से एक ही ट्रू होगा हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वहां लिखा हुआ है एफ इज डिस्किन्यूस फंक्शन ऑन डी तो ये देखना तो बहुत ईजी है कैसे देखो फ्रेंड्स आप एक फंक्शन कंसीडर करो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एक दूसरा फंक्शन कंसीडर करो एच ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन वन अपॉन वाई एक तीसरा फंक्शन कंसीडर करो के एक्स वाई इक्वल्स टू वन अपॉन वाई ठीक है आप यहां पर इसको साइन वाई कंसीडर करो अभी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्यों तो यहाँ पर आप एक चीज देखो फ्रेंड्स कि जब आप इन दोनों को कंपोजिशन करोगे तो आपको साइन वन अपॉन वाई मिलेगा अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि साइन वाई तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा आर टू में और वन अपॉन वाई वहां वहां कंटिन्यूअस होगा जहां पर वाई नॉट इक्वल टू जीरो वाई नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा ये फंक्शन हर जगह कॉन्टीन्यूअस है तो डोमेन डी क्या है हमने आर टू में से एक्स एक्सिस हटा दिया तो ये जो दोनों फंक्शन है ये डी पर क्या है कॉन्टीन्यूस कंटिन्यूस ऑन डी तो इन दोनों का कंपोजिशन भी डी के ऊपर कॉन्टीन्यूस होगा तो साइन वन अपॉन वाई कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा डी के ऊपर अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जी एक्स वाई इक्वल टू एक्स ये तो पूरे के पूरे डोमेन

सेकेंड ऑप्शन के ऊपर सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डी ये बिल्कुल सही बात है फिर बोल रहा है कैन बी एक्सटेंडेड कंटिन्यूसली टू डी यूनियन ओरिजन तो कंटिन्यूस एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स एफ टिल्डा को हम एफ का कंटिन्यूस एक्सटेंशन बोलेंगे जब एफ टिल्डा एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई वेन एक्स वाई बिलोंग्स टू डी ठीक है इस तरीके से एक हमें कंटिन्यूस फंक्शन बनाना है कि एफ टिल्डा की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो जब आप एक्स वाई डोमेन डी में से लो और जब आप एक्स वाई को ओरिजिन पॉइंट रखो तब यहाँ पर कुछ वैल्यू होनी चाहिए जैसे सपोज करो मैं के नाम दे देता हूँ और ये पूरा के पूरा फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए तब मैं बोलूंगा कि आपने इस फंक्शन को कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर दिया किस डोमेन के ऊपर डी यूनियन ओरिजिन तो अब आप यहां पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि अगर एफ टिल्डा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ डी यूनियन ऑरिजन के ऊपर तो आप जानते हो कि k की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और k की वैल्यू क्या होगी अगर f टिल्डा कॉन्टिन्यूस होगा तो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स वाई सिंपल यहाँ पर आप एक और चीज नोट करो फ्रेंड्स कि ये जो पॉइंट है जीरो जीरो लिमिट पॉइंट है d का ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस जो है वो लिमिट पॉइंट है डी का एक्स एक्सिस इज एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज लिमिट पॉइंट ऑफ डी ठीक है ये आपको ऑब्जर्व करना है अब यहाँ पर हम के की वैल्यू देखते हैं कि एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी तो आप लिखो के इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो एक्स टाइम्स साइन वन अपॉन वाई ठीक है तो k इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा आपका अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करो फ्रेंड्स कि sin 1 y ये तो ऑसिलेट करेगा -1 से लेकर 1 पर बट जो x ये 0 पर जा रहा है वो इस पूरी की पूरी लिमिट को क्या बना देगा 0 तो अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं ये तो हमने ऑब्जर्व किया है बट इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 क्यों होंगी आप एक चीज देखो

ये जो जो इन है आप इसको लिमिट फाइंड आउट करने में कैसे यूज करोगे देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो 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 टू लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो मॉड्युल लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो मॉड एक्स तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपली कि ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स जब आप एक्स को जीरो पर लेके जाओगे तो ये जीरो हो जाएगा अब सैंडविच थ्योरम से क्या बोल सकते हैं हम कि ये जो बीच वाली क्वांटिटी है वो भी जीरो हो जाएगी ठीक है तो के की वैल्यू जीरो मिल जाएगी तो ऐसा के मिल गया कि एफ टिल्डा क्या हो गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो अगर एफ टिल्डा कॉन्टिन्यूस हो गया तो मतलब f का कंटिन्यूस एक्सटेंशन मिल गया डी यूनियन ऑरिजन के ऊपर तो हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा ट्रू अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन डी बिल्कुल सही बात है एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट आउटसाइड डी ये गलत बात है क्योंकि हमने तो ऑरिजन मिलाकर कंटिन्यूस एक्सटेंशन फाइंड आउट कर लिया था सेकंड ऑप्शन में अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन के ऊपर फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि इज फंक्शन ऑन ये तो सही बात है

फ्रेंड्स इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी के जब x होगा, मैं x पर कोई भी जो फंक्शन है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे अगर ये कंटिन्यूअस हुआ तो तभी हम कंटिन्यूस एक्सटेंशन बोलेंगे इसको एफ का तो अगर मैं कहीं से कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एफ का कंटिन्यूस एक्सटेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मैंने आपको एक चीज ऑब्जर्व करवाई थी कि फाइव जीरो लिमिट पॉइंट है डी का ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तभी हम लिमिट की इस तरीके से बात कर पाएंगे अब यहां पर आप एक चीज देखो कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू फाइव जीरो पर आना है तो बहुत सारे रास्ते होते हैं और जितने भी रास्ते होते हैं फ्रेंड्स उन सभी रास्तों से सेम आंसर आना चाहिए अगर सेम आंसर नहीं आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मैं आपको दो पाथ देता हूं पहला जो पाथ है वो मैं आपको सिक्वेंसेज के रूप में देता हूँ कुछ इस तरीके से आप देखो फाइव और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वन अपॉन n पाई ठीक है ये आपका कहाँ पर टेंड करेगा फाइव जीरो पर वेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो जब आप इस पाथ से इस फंक्शन को अप्रोच करोगे ठीक है तो आप देख सकते हो कि इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स एन वाई एन ठीक है इस सीक्वेंस को तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा एक्स एन साइन वन अपॉन वाई एन ठीक है एक्स एन की वैल्यू तो फाइव है साइन वन अपॉन वाई एन ठीक है तो अगर वाई एन आपने ये रखा तो वन अपॉन वाई एन क्या हो जाएगा एन पाई ठीक है और साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है तो एफ ऑफ एक्स एन वाई एन हमेशा जीरो हो जाएगा तो आप यहां से एक चीज बोल सकते हो कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन है वो जीरो को टेंड कर रहा है वेन एक्स एन वाई एन टेंडिंग टू फाइव जीरो दूसरा पाथ लेता हूं जो फाइव जीरो को जा रहा है तो इस बार मैं क्या करता हूँ पार्थ लेता हूँ जेड एन के एन ठीक है और जेड एन को तो मैं फाइव लिख देता हूं के एन को मैं लिख देता हूं वन अपॉन टू एन प्लस वन फाइव बाई टू तो आप देख सकते हो कि ये भी आपका फाइव जीरो पर टेंड करेगा वेन एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी बट आप यहाँ पर एक चीज नोट करो कि एफ ऑफ जेड एन के एन ये आपका किसके इक्वल होगा जेड एन साइन वन बाय के एन ठीक है तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ साइन वन बाय के एन मतलब के एन की वैल्यू है ये तो ये तो हो जाएगा आपका जेड एन साइन टू एन प्लस वन पाए बाय टू अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स की जेड एन तो फाइव हो गया ठीक है और ये जो मेरा साइन टू एन प्लस वन पाए बाई टू है ना इसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगी ये प्लस वन भी होगा माइनस वन भी होगा तो ये जो मेरी सीक्वेंस है ऑफ ये इस तरीके से 5 5, फिर प्लस 5 5, तो इसकी जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो एफ ऑफ जेड एन के एन डज नॉट एग्जिस्ट वेन एन इजेंडिंग टू इंफिनिटी ठीक है तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि हम दो अलग अलग रास्तों से फाइव जीरो पर अप्रोच कर रहे हैं ठीक है दोनों अलग अलग रास्तों पर एक रास्ता ऐसा है कि जब आप फंक्शन को फाइव जीरो से अप्रोच करोगे तो लिमिट की वैल्यू जीरो आ रही थी और एक रास्ता ऐसा है कि जहां पर आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो दोनों रास्तों में अलग अलग बातें हो रही है तो आप बोल सकते हो कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू फाइव जीरो एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही फ्रेंड्स तो आप बोल सकते हो कि आपका ये जो फंक्शन है ना ये फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है जो हमने एफ टिल्डा लिखा है ठीक है एफ टिल्डा फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर फोर भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो टू हो जाएगा ट्रू अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये ये जो है 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 आपका यहां पर आपको दो है. आपको दो के ऊपर तब बोला गया है कि इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन इस ऑप्शन में बोल रहा है तो g of जो हमारा फंक्शन है वो लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस सिक्सटीन अब आप यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करो एफ इक्वल टू जीरो मतलब X plus y equal to 0. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वाई इक्वल टू माइनस एक्स अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अगर आप g के ऊपर कंडीशन अप्लाई कर रहे हो कि एफ इक्वल टू जीरो g के अंदर जो आपकी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस एक्स के इक्वल तो हमारा जो वो कैसा दिखेगा x x यानी कि होगा क्या आप बोल सकते हो कि इस फंक्शन का ग्लोबल एक्सट्रीमम वैल्यू होगा अगर होगा तो क्या वो जीरो जीरो पर होगा तो फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं कि ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स माइनस एक्स इसको एच एक्स नाम दे देते हैं अब आप एच एक्स का ग्राफ बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हो ये एक्स एक्स ये वैल्यू तो ये जो आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है तो यहां से आप बोल सकते हो कि आपका जो एक्स इक्वल टू जीरो है वो आपका मैक्सिमा है एच एक्स का ठीक है और वो ग्लोबल मैक्सिमम है अब यहाँ पर एक ही मैक्सिमा है तो वो पूरा ग्लोबल मैक्सिमा हो गया तो ये ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू हो गई एक्स इक्वल टू जीरो मैक्सिमा एच एक्स का तो अब जो हमारा फंक्शन है G of XY, तो G of में अगर आप देखो तो y की वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स तो जो जीरो का जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है f इक्वल टू जीरो तो आप बोल सकते हो कि जीरो जीरो पर हमें ग्लोबल एक्सट्रीम मिल रहा है और ग्लोबल एक्सट्रीम भी हमें ग्लोबल मैक्सिमम मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा ट्रू दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है जी हैज नो ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू सब्जेक्ट टू टू द कंडीशन इक्वल तो ये ये जो हमारी बात है ये क्या हो जाएगी फॉल्स अब हम चेक करेंगे फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन नंबर थ्री है और जो ऑप्शन नंबर फोर है ये काफी अच्छे ऑप्शन उन्होंने सेट किए थे यहाँ पर ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यू ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने एग्जाम में मिस्टेक करी थी तो हम देखते हैं कि कंडीशन जी इक्वल टू जीरो जब आप अप्लाई करोगे फ्रेंड्स हमारा जो जी फंक्शन था वो था एक्स वाई माइनस सिक्सटीन तो जी एक्स वाई इक्वल टू जीरो क्या एम्प्लाई करेगा एक्स वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो तो ये क्या एम्प्लाई करेगा एक्स वाई बराबर सिक्सटीन तो ये क्या एम्प्लाई करेगा वाई बराबर सिक्सटीन बाई एक्स अब आपका जो फंक्शन है फ्रेंड्स एफ ऑफ एक्स वाई वो है आपका एक्स प्लस वाई अगर एफ ऑफ एक्स वाई का आपको एक्सट्रीम वैल्यू चेक करनी है जो कंडीशन सेटिस्फाई करे सेटिस तो आप यहां पर क्या करो y की वैल्यू रख दो 16 x x तो F of बन जाएगा दोन x, x अब फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है हम देखेंगे कि ये फंक्शन कहां कहां पर मैक्सिमा मिनिमा रखेगा कौन कौन से ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे तो वो सभी हम चेक करेंगे हम इस फंक्शन को नाम दे देते हैं एच एक्स ठीक है HX,

प्लस माइनस फोर अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि ये वैल्यू है एक्स स्क्टर तो होगा, होगा तो जो सिक्सटीन बाई स्क्वायर है वो लेस देन वन होगा तो ये जो एस डैश एक्स है 1 16 x square, ये आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा अब यहाँ पर देखो फ्रेंड जो जीरो है जीरो के ऊपर ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा एक्स प्लस तो अब जब जीरो से लेकर चार के बीच में वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर हमेशा लेस देन होगा तो जो सिक्सटीन बाय स्क्वायर है वो ग्रेटर देन वन होगा तो एच डैश एक्स जो है मेरा वो नेगेटिव हो जाएगा इसी तरीके से सेम चीज यहाँ पर फॉलो होगी और एच डैश एक्स यहाँ भी नेगेटिव होगा जब आप एक्स को लेस देन माइनस फोर रखोगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पर जो H -X है वो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हमने साइन डाइग्राम बनाया अब इस साइन से हम फंक्शन का ग्राफ बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं तो ये जो फंक्शन का ग्राफ है वो कैसा दिखेगा देखो ये एक्स एक्सेस ये एच एक्स तो अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि जब आप कि जब आप जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो हमारा जो एच एक्स है एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ये वाली टर्म प्लस इन्फिनिटी पर जाएगी तो एच एक्स मेरा प्लस इन्फिनिटी पर चला जाएगा जब आप एक्स को पॉजिटिव जीरो से अप्रोच करोगे ठीक है और आप देख सकते हो जीरो से चार तक फंक्शन डिक्रीज करेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ये एक्स की वैल्यू चार फिर चार के बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा ठीक है तो आप ये यहाँ पर देख सकते हो और आप यहाँ पर एक और चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो फ्रेंड्स कि एच ऑफ माइनस एक्स क्या होगा आपका माइनस एक्स माइनस सिक्सटीन बाई एक्स यानी कि माइनस ऑफ एच एक्स तो ये आपका और फंक्शन बन गया और फंक्शन ओरिजन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो आप इस फंक्शन को अगर ओरिजन के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है तो ये ऐसा दिखेगा ठीक है ये वाली वैल्यू माइनस फोर और अगर आपको सिमेट्री से नहीं देखना है इसको मतलब तो आप बिना सिमेट्री के इस तरीके से देख सकते हो देखो कि जब आप x को जीरो माइनस से अप्रोच करोगे तो x प्लस सिक्सटीन बाई एक्स देखो ये वाली क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी पर जाएगी तो हमारा फंक्शन माइनस इंफिनिटी पर जाएगा अब आप एक चीज़ नोट करो कि जब आप माइनस फोर से लेकर जीरो पर आ रहे हो तब आपको डिक्रीज होते हुए आना है तो आप ऐसे डिक्रीज होते हुए आओगे और आप एक चीज़ नोट करो कि जब आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर की तरफ आओगे तो आपके फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए तो अगर आपके फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज होना चाहिए तो आप ऐसे मतलब अप्रोच करोगे तो ये आपका एच एक्स का ग्राफ है तो आप देख सकते हो कि एक्स इक्वल टू फोर जो है अगर आप एक्स इक्वल टू फोर रखोगे एक्स इक्वल टू फोर रखा तो जो y का वैल्यू है वो क्या आएगा 16 बाई फोर यानी, यानी कि 4 तो जो 4 है ना ये वाला पॉइंट 4 आप देख सकते हो कि 4 पॉइंट मिनिमा है ठीक है बट ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है सपोज करो ये एक्स प्लस फंक्शन था ना तो फोर प्लस फोर बाय फोर फोर प्लस फोर यानी कि एट 4 4, तो ये जो वैल्यू है एट एट से कम वैल्यू भी हमें मिल रही है तो ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है ठीक है तो ग्लोबल मिनिमा नहीं है x इक्वल टू फोर इसी तरीके से x इक्वल टू माइनस फोर जो है वो ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा तो इससे ज्यादा वैल्यू भी मिल रही है तो ये मेरा लोकल मिनिमा है और ये मेरा लोकल मैक्सिमा है तो यहाँ पर हमें कोई भी ग्लोबल एक्सट्रीमम नहीं मिलेगा नो ग्लोबल एक्सट्रीमम तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स अब देखो जब आप एक्स को माइनस फोर रखोगे तो वाई कितना होगा सिक्सटीन अपॉन एक्स यानी कि सिक्सटीन अपॉन माइनस फोर तो ये हो जाएगा माइनस फोर यानी तो कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं फोर फोर और माइनस फोर माइनस फोर ये ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है ये आपकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज है तो यहाँ पर जो आप देखोगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो थ्री और फोर है यहाँ पर आपका ये थ्री ट्रू हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन ट्रू हैं वन एंड थ्री थैंक यू फ्रेंड्स